मुरादाबाद जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर और झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसने और उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शिवसेना जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि जनपद में कई जगह अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर अपनी जेब भरने के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अवैध रूप से चल रहे कई अस्पतालों पर ACMO द्वारा कार्रवाई भी की गई और उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई, मगर अब उन अस्पतालों को पुनः खोल दिया गया है। एक प्रतिनिधि मंडल ने जो मुरादाबाद जनपद में अनेक झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फर्जी तरीके से अस्पताल खुले हुए हैं, डिलीवरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेजर ऑपरेशन करते हैं और हफ्ता 10 दिन में किसी इन अस्पतालों में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। अभी हाल फिलहाल में करीब 4-5 महीने पहले पाकुड़ा में मखदूमी अस्पताल था, उस पर ACMO ने जो झोलाछाप डॉक्टरों के प्रभारी हैं उन्होंने सील लगा दी थी, लेकिन वो फिर अब खोल दी गई। एक और नर्सिंग होम था, उसे बीनस नर्सिंग होम के नाम से उसने दोबारा खोल लिया है और एक नेशनल नर्सिंग होम है, प्रिंस रोड पर है, ख्वाजा हेल्थ केयर है यहाँ डबल फाटक पर दसराय में। ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं और जिन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी CMO कार्यालय में बैठे हुए ये सभी संविदा कर्मचारी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और यहाँ पूरे दिन अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ, अवैध वसूली करते हैं। आप कभी भी देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों आदमी इस कार्यालय में आते हैं और उनका यही काम रहता है, अवैध वसूली करना यही काम रहता है। आपकी क्या मांग? हमारी मांग है ये, अगर हमने 3 दिन का इसमें अल्टीमेटम दिया है, अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तब हम DM कार्यालय पर और कमिश्नर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हर हालत में यहाँ का हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। अभी वायरल वीडियो हो रहा है, आपने देखा होगा, इमरजेंसी विभाग में एक शेखर नाम का लड़का, उसने 1.25 लाख रुपये एक मेडिकल के नाम से ठग लिया, मेडिकल भी उसका बनाया नहीं। महिला डिपार्टमेंट में, आई डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंटों में अवैध वसूली होती है। वहीं डॉक्टर तुरेहा ने आगे कहा कि यदि शीघ्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो शिव सैनिक DM कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।